अब ये देखें, ये एक हमने किया है डब्बा और ये है हमारे पास। इसको मैं पूरा इसके अंदर पूरा सीमेंट लगाऊंगी। असल है अब इसकी सेटिंग, ये देखें, ये मैंने अच्छी तरीके से इसमें रख चुका है। अब ये इसको मैं इसमें चढ़ाऊंगी। ये देखना, ये है हमें कि ये किस तरह से इसके फॉल्स देने हैं, ठीक है। एक बार दोनों साइड पे, चारों साइड पे आना चाहिए और एक अच्छा सा वॉश का लुक आएगा इसका। अच्छा, वॉश के लुक के लिए हमें क्या करना है, ये तो हमने लगाया। अब इसका जो इस तरह से ये तो आ जाएगा इस तरह से, लेकिन ये इधर से साइडों से कैसे ये फुला हुआ, उसके लिए हम इसके अंदर शॉपर्स भरते हैं। देखिए इस तरह से आपके घर में शॉपर्स होंगे, इसको आपको इस तरह से लगाना है। फिर शॉपर लगाने के बाद इसके ऊपर हम और सीमेंट लगाएंगे। शॉपर लगा के फिर मैं आपको दिखा दीजिए, लेकिन जिस तरह से शॉपर चला गया। ये देखिए हमने इसमें शॉपर लगा लिया है, बस इससे ज़्यादा हमें इसको मतलब चौड़ा ब्रॉड नहीं करना है। अब हमें इसमें फॉल्स देना है। अब हम यहाँ पर हम इसमें उठा के ये बिजली समेत पूरा लगा देंगे इस तरह से, ये नीचे का हम पूरा बंद कर देंगे, ठीक है। ये देखें, ये जब ये पूरा बन जाएगा, इससे शॉपर निकल जाएगी तो लुक अंदर से आएगा और मैं इसको फॉल्स दूंगी। ये देखिए, ये पूरा इस तरह से, ये चारों तरफ से इसके चारों कोने, आप इसको इस तरह से फॉल्स दे दीजिए कि जैसे आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत लगे, आप इस तरह से इसको फॉल्स दे दीजिए, ठीक है। और ये सारा सीमेंट जो है इसको खूब अच्छी तरह से कवर कीजिए ताकि ये मजबूत हो जाए। और इसको हम कितने दिन तक ड्राई करने के लिए रखेंगे? दो दिन तक हम इसको इसी तरह छोड़ देंगे। ये पूरा आज चलेगा और कल इसी वक्त इसमें पानी लगाया जाएगा और दो दिन तक तकरीबन इसमें पानी लगेगा और तीसरे दिन हम इसको इसमें से शॉपर वगैरह सब निकालेंगे। फिर मैं इसका आपको लुक दिखाऊंगी, फिर इसमें कलर वगैरह जो भी आपका दिल चाहे वो आप करें। अच्छा, अब मैं थोड़ा सीमेंट को जो है वो थोड़ा थिक करूँगी ताकि साइडों से मैं इसको सही करूँ। ये हाफ थोड़ा सा ये बिजली डालूँगी और इतना ही तकरीबन मैं इसमें सीमेंट डालूँगी और इसे जस्ट मिनट नो है अब डालूँ थोड़ा बस। अब देखिए मैंने इसको थिक कर लिया है। अब थिक करके मैं इसको थोड़ा इस तरह से इसने लगाऊंगी ताकि ये थोड़ा ऐसा बने कि नरम नरम सा ना रहे। अच्छा, रखने के बाद जब ये ड्राई हो जाएगा, रखने के बाद ये टूटे नहीं, इसीलिए इसको ज़रा गाढ़ा गाढ़ा सा टेप लगा के ठीक किया जा रहा है। और यहाँ पर भी मैं इसके शॉपर्स रखूँगी ताकि ये इसमें चिपक ना जाए। शॉपर बहुत सारी चाहिए होती है तो ये इसमें चिपक जाएगा तो फिर ये निकला खड़ा हो जाएगा, निकलेगा शॉपर की वजह से ये जगह छोड़ देगा। इस तरह चारों तरफ ताकि ये इसके हम गमला कि इसमें फ्लैट वगैरह ये पूरे नोक इस तरह से बने हुए हैं। हमारे पास थोड़ी सीमेंट है, अब मैं इसके ऊपर फिल कर दूँगी ताकि ये ताकि जब ये हम रखें तो ये सही से बैलेंस हो जाए। और दो दिन तक इसी तरह रहेगा और उसके दो दिन के बाद फिर हम आपको इसको दिखाएंगे। तो दो दिन तक के लिए फिलहाल हम इसको रखें। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।